नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार में आज साहित्यकारों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार के लिए गर्व का पल है और गौरवान्वित होने वाला पर्व है। हो भी क्यों नहीं, बिहार के 3 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। बिहार के मशहूर 3 साहित्यकारों को साल 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। बिहार की बेटी अनामिका को हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगवंत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके साथ ही बिहार के ही कमलकांत झा को मैथिली के लिए साल 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इनकी रचना थी गाछ रूसल आछी। इसके बाद बिहार के ही गया जिले के रहने वाले हुसैन अल हक को उर्दू उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन तीनों महनी साहित्यकारों को शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यह बिहार के लिए गौरव की बात है। उनकी यह उपलब्धि से संपूर्ण बिहार को गर्व है। आइए अब हम एक एक कर इन तीनों महान साहित्यकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की मशहूर साहित्यकार अनामिका के बारे में। अनामिका मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली है। उन्हें हिंदी की सेवा करने के लिए या हम कहें कि हिंदी कविता में योगदान देने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पहले राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल एवं केदार सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 को मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य से पढ़ाई की है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में ही PhD और डीलिट की भी डिग्री हासिल की है। उनकी पढ़ाई लिखाई भले ही बिहार से बाहर हुई हो, लेकिन उनका नाता बिहार से हमेशा जुड़ा रहा है। वे हमेशा बिहार आती जाती रही हैं। आपको बता दें कि अनामिका इन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के सरस्वती कॉलेज में अध्यापन कर रही है। उनकी माँ आशा किशोर हिंदी की प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रह चुकी हैं। अनामिका के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक यह है कि रामधारी सिंह दिनकर और अरुण कमल के बाद तीसरे साहित्यकार हैं जिन्हें हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अनामिका के पिता डॉक्टर श्याम नंदन किशोर हिंदी साहित्य के बड़े गीतकार थे। उबे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर गोपाल सिंह नेवाली की पीढ़ी के गीतकार थे। उबे बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। इसके साथ ही श्याम नंदन किशोर को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। आइए अब जानते हैं बिहार के साहित्यकारों ने अनामिका के इस पुरस्कार को लेकर क्या कुछ कहा है। वरिष्ठ लेखिका उषा किरण खान ने कहा है कि अनामिका बचपन से ही कविताएं लिखती रही है। उन्होंने उपन्यास भी लिखा है। बहुत खुशी की बात है कि कविता के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। हिंदी के वरिष्ठ कवि अरुण कमल ने अनामिका को यह सम्मान मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि अनामिका विद्वान कवि, कथाकार एवं विदुषी हैं। स्त्री लेखन के क्षेत्र में उनका योगदान अप्रतिम है। वरिष्ठ कवि आलोक धनवा ने कहा है कि अनामिका वह प्रिय कवित्री है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि बिहार की कवित्री को यह पुरस्कार मिला है। ये बिहार की बेटी है, विदुषी है। जितनी सुंदर कविताएं उन्होंने लिखी, उतना ही सुंदर वो गद्य भी लिखा है। आइए हम जानते हैं कमलकांत झा जी के बारे में। मधुबनी जिले के जयनगर के रहने वाले 80 साल के कमलकांत झा को मैथिली भाषा में प्रकाशित कहानी संग्रह गाछ रूसल आछी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कमलकांत झा की पहली पुस्तक 1965 में आई थी। अब तक उनकी 22 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। मैथिली लोकोक्ति उद्भव और विकास उनकी महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है। उन्होंने निबंध, कविताएं और नाटकों में भी अपनी कलम चलाई है। वे मैथिली भाषा आंदोलन के शुरुआती समय से एक्टिव रहे हैं। कमलकांत झा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। वे मधुबनी के जयनगर में BD कॉलेज में मैथिली के प्रोफेसर थे। अब वो रिटायर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं हुसैन अल हक के बारे में। बिहार के गया जिले के रहने वाले हुसैन अल हक को उर्दू उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब तक हमने जाना बिहार के 3 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान साल 2020 के लिए उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया गया है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।